नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ मित्रों, आज बजरंग बली जी का जन्मदिन है। आज इस शुभ मौके पर मैं आपको बताती हूँ एक खास उपाय जो दूर कर सकती है आपकी हर समस्या। लेकिन मित्रों, इसका एक वो है कि आपको 21 दिन तक करना है मित्रों इसको। तो जैसे आज 11 अप्रैल है, मंगलवार, तो हनुमान जी का जन्मदिन है आज। तो इस मौके पर हम आपको बजरंग बली से जुड़ा एक कैसा खास उपाय बता रहे हैं, जिसे करने से आपकी हर समस्या, हर कठिनाई दूर हो सकती है। ये उपाय 21 दिनों तक का है। तो इसमें क्या है कि पहला ये कि उपाय चतुर्थी, नौमी व चतुर्दशी तिथि को छोड़कर किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के मंगलवार को कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष में, आप मंगलवार पड़ रहा है, शुक्ल पक्ष का दिन है, तो आप कर सकते हैं मित्रों। परिवार में किसी की मृत्यु या जन्म होने पर 13 दिन के बाद ये उपाय शुरू करें। यदि उपाय के दौरान ऐसा कोई संयोग आ जाए तो किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा इसे पूरा करवाना चाहिए। मान लीजिए आपके घर में कोई बात आ गई, आप कर रहे, विघ्न आ गया, तो आप तुरंत जाके ब्राह्मण से बोलिए कि वो कर देगा। लेकिन कराना जरूरी है आपको इस उपाय को, तो बीच में नहीं छोड़ना है आपको। उपाय के दौरान शौर क्रम यानी कि दाढ़ी बनवाना है, नाखून काटना है, ये सब आपको नहीं करना है। तो ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना है। सात्विक बिना प्याज व लहसुन का भोजन करना है मित्रों, क्योंकि प्याज और लहसुन जो है वो शाकाहारी नहीं है। तो इसलिए, क्योंकि आप पूजा कर रहे हैं तो मित्रों, इसलिए आपको लहसुन प्याज को नहीं खाना पड़ेगा। और जो है आपको नाखून है, बाल है, ये सब नहीं कराना होगा इस टाइम पर जब आप ये पूजा कर रहे हैं। तो आपको क्या पड़ेगी ज़रूरत, 250 ग्राम आप गुड़ ले लीजिए, थोड़े से भुने चने रख लीजिए और गाय के शुद्ध घी ले लीजिए। गुड़ के छोटे छोटे 21 टुकड़े कर लीजिए। अब आप साफ रुई और लेकर इसकी 22 फूल पत्तियाँ बना लीजिए और उसे घी में भिगो दीजिए। इन सभी को अलग अलग साफ बर्तनों में लेकर किसी साफ स्थान पर रख दें। साथ ही माचिस और एक छोटा बर्तन व छन्नी आदि, जिसमें रोज ये सामान आसानी से ले जाया सके, भी रख दें। ये उपाय करने के लिए अब हनुमान जी के ऐसे मंदिर को चुनें जहाँ ज़्यादा भीड़ ना आती हो, एकांत में हो। मंगलवार सुबह जल्दी उठ जाएं और नहाने के बाद माथे पर चंदन घिसकर लगा लें, तिलक लगा लें माथे पर। फिर एक साफ बर्तन में गुड़ का एक टुकड़ा, 11 चने, एक घी की बत्ती और माचिस लेकर साफ कपड़े से इसे ढक लें। ध्यान रहे इस उपाय के लिए अपने घर से, अपने फ्लैट से, अपने मकान से लेकर मंदिर तक नंगे पैर ही जाना होगा। साथ ही रास्ते में या मंदिर में किसी से कोई बात ना करें मित्रों, और ना ही पीछे पलट कर देखें। अगर आप चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले तो आप किसी से बात नहीं करें और ना ही पीछे पलट कर देखें। मंदिर पहुंचने के बाद बजरंग बली की मूर्ति के सामने सबसे पहले घी की बत्ती प्रज्वलित करें। इसके बाद 11 चने और गुड़ का एक टुकड़ा वहाँ पर एक कटोरी में रख दें। अब अपनी समस्या को दूर करने के लिए मन ही मन श्रद्धा व विश्वास से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये स्टेप पूरे होने के बाद वापस घर के लिए निकलें। ध्यान रहे मंदिर से घर जाते समय भी आपको ना ही पीछे पलट कर देखना है और ना किसी से बात करनी है। मकान में, फ्लैट्स में घर पहुंचकर उपासना का बचा सामान उचित स्थान पर रखकर 7 बार राम राम बोलकर ही अपना मौन भंग करें। रात में सोने से पहले 11 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके वह अपनी मनोकामना, अपनी जो भी इच्छा है सिद्धि के लिए प्रार्थना करें। जैसे आपकी नौकरी लगाने लगनी है, सरकारी नौकरी लगनी है, या आपकी पढ़ाई में नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो उन सब के लिए ये प्रार्थना करें। ये उपाय लगातार आप 21 दिन आपको करना है मित्रों। उसके बाद मित्रों क्या करें, उसके बाद आप मित्रों
21 दिन की उपासना के बाद 22वें दिन पूजा खत्म होगी। इस दिन सुबह स्नान करके 1.25 किलो आटे से 5 बड़ी बड़ी रोटी बनाएं। ध्यान रखें, ये रोटियां गाय के गोबर के उपले पर ही पकाएं। गाय के उपले जैसे आप गाय का गोबर ले आइए, जाके देखते हैं आप, मतलब जहाँ पर आप दूध लेने जाते हैं मित्रों, तो वहाँ पे देख लीजिए गाय का दूध ले लें, दूध भी ले लीजिए, या आप खाली वहाँ का गोबर ले आइए, फिर गोबर लाकर आप थाप दीजिए, या फिर अपने घर में ही थाप दीजिए, क्योंकि आपका किसी पर विश्वास नहीं कि कब कौन पैसे का ही मिला दे, तो आप घर पे ले आइए, तो घर पे लाकर वो थाप लीजिए, उस गोबर के जो कंडे हैं उनको थाप लीजिए, मतलब सुखा लीजिए, मतलब क्या है कि धूप निकल रही है तेज, और अपने घर में लाकर उन्हें सुखा लीजिए। उसी में ही आपको रोटी बनानी है, जो 5 किलो जो मैंने आटा बताया आपको, 5 किलो, 5.25 किलो, 1.25 किलो आटे के, 1.25 किलो, 5.25 किलो, सॉरी 5.25 किलो नहीं है, 1.25 किलो आटे के, मतलब 1.25 किलो मतलब कितना हुआ, 1 किलो और 250 ग्राम हुआ, 1.25 किलो उसको कहते हैं मित्रों। आटे से 5 बड़ी बड़ी रोटी बना लीजिए, और ध्यान रखिए ये रोटियां गाय के गोबर के उपले पर ही पकाएं, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लग भी जाएंगे, कितना लगेगा ये नहीं पता है। तो आप इसमें आवश्यकता अनुसार गाय का शुद्ध घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बना लें, ये नहीं जो उपले से बनाए हैं अपने रोटियां, इसमें आप शुद्ध घी मिला लें और गुड़ मिला लें और इसका चूरमा बना लें। इसे थाली में रखकर बचे हुए सारे चने व 22वीं अंतिम बत्ती लेकर डेली की तरह ही चुपचाप मंदिर जाएं, फिर बजरंग बली की मूर्ति के सामने बत्ती जलाकर चने एवं चूरमे का भोग लगाएं। एक छोटे से बर्तन में थोड़ा सा चूरमा लेकर हनुमान जी के सामने रख दें, बाकी अपने साथ ले आएं। घर पहुंचने के बाद, मतलब मकान में या हाउस में या फ्लैट्स में पहुंचने के बाद मौन भंग करें। जो भी यह प्रयोग करे वह उस दिन दोनों समय सिर्फ उसी चूरमे का भोजन करे। बचे चूरमे को प्रसाद के रूप में आप बांट भी सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।